नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में, और जयपुर के मैं हूं अभी सिटी पैलेस में। सामने वहां पे एंट्री गेट है जहां से हमने अभी एंट्री ली थी, और मेरे पीछे ये वाली जो बिल्डिंग है ये है मुबारक महल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा सिटी पैलेस घुमाने वाला हूँ, और यहाँ पे बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग हुई है और कई सीरियलों की भी शूटिंग हुई है। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ पीछे देखो, यहाँ पे एक छतरी है जहाँ पे तलाश फिल्म का एक गाना शूट हुआ है, जिस गाने के बोल हैं यार बदलना जाना मौसम की तरह। यहाँ पे एक सीन लिया गया है इस छतरी के अंदर, तो वो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट से मैच करा दूंगा। और भी यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हुई है जिनमें छोटे मियाँ बड़े मियाँ, महाराजा, खलनायक, और कौन कौन सी फिल्म है, सपूत का एक गाना यहाँ पे शूट हुआ है, और सबसे बड़ा खिलाड़ी का भी यहाँ पे एक गाना शूट हुआ है, बेजवान। यानी एक तरह से हम इसको जयपुर की फिल्म सिटी भी बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अभी यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे, भाई लोगों ने वहां से हमें देख लिया और आते ही कहने लगे आप अभिनय अदवंशी हैं। मैंने कहा हाँ। तो भाई वीडियो देखते हैं, ये लोग हरियाणा से हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नितिन मलिक जी। तो ये भी इधर आए हैं सिटी पैलेस घूमने के लिए। हरियाणा से आए ना आप सारे लोग। चलिए अब हम लोग साथ में घूमेंगे। गाने के अंदर अक्षय कुमार और करीना कपूर जी यहाँ पे खड़े रहते हैं इसकी छत के ऊपर, और ये वाली दिखती है। तो एक सीन यहाँ पे लिया गया है गाने का, और एक सीन फिर अंदर से लिया गया है। और भी बाद बाकी सीन जो है इस गाने के वो जयपुर के अंदर ही शूट हुए हैं। ये सिटी पैलेस का एंट्री गेट है, यहाँ से हमने अभी एंट्री ली थी, और यहाँ पे सामने ही बना हुआ है मुबारक महल। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो मुबारक महल है ना, यहाँ पे जो राजा और रानी थे जो उस टाइम पे वो लोग कपड़े यूज़ किया करते थे, वो इसके अंदर रखे हुए हैं। तो वो हम अभी अंदर जाके देखेंगे, हालांकि इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मुबारक महल में घूम के अंदर से आ गए, यहाँ से एंट्री ली थी और यहाँ से निकल गए। अंदर जाके देखा कपड़े लगते रखे हैं जो राजा और रानी ने यूज किए थे, और उसकी भी इन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी ना फोटो लेने दी, कोई फायदा नहीं हुआ। अंदर चलते हैं अब हम लोग, इधर है मैन सिटी पहले, चलो आ जाओ। डिजाइन देखो गेट की कितनी मस्त है, देखो नजदीक से, पीतल का गेट है ना। अभी मैं सिटी पैलेस के अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पे ज्यादातर फिल्मों के सीन लिए जाते हैं। तलाश फिल्म का जो एक सीन है ना वो यहाँ से लिया गया है, जिसमें अक्षय कुमार यहाँ खड़े रहते हैं इसके ऊपर यहाँ पे, जिसमें आप लोग इसको देख सकते हैं, वो वाला जो दिख रहा है ना उसको देख सकते हैं, और कैमरा पीछे से एंगल किया गया था, जिसमें देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, वो दिख रहा था, हालांकि वो नीचे तक दिख रहा था, ये भी दिख रहा था। तो वो सीन तो ले नहीं सकते क्योंकि ऊपर जाना अलाउड नहीं है। तलाश फिल्म का जो गाना है ना उसके यहाँ पे सिर्फ दो सीन ही लिए गए हैं, बाद बाकी जो सीन है उसके वो कनिक बाग और नाहरगढ़ फोड़ पे लिए गए हैं। तो अब हम आप लोगों को दिखाएंगे महाराजा फिल्म और छोटे मियाँ बड़े मियाँ का जो गाना यहाँ पे शूट हुआ है वो सीन, वो इसी ग्राउंड के अंदर लिए गए हैं जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। तो चलते हैं यार, हम काफी देर से आए हुए हैं यहाँ पे, एक तो प्यास लग रही है, फिर पानी पीने बाहर जाना पड़ेगा या फिर अंदर ही देखते हैं, थक गए। महाराजा फिल्म का एक सीन यहाँ से लिया गया है, जब गोविंदा एंट्री करते हैं इस किले के अंदर, तो यहाँ पे वो आते हैं घोड़े से, जिसमें यहाँ पे दरवान खड़े रहते हैं, और पीछे उसका नज़ारा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो वो वाला सीन यहाँ से लिया गया है, और उसके बाद फिर वो अंदर आ जाते हैं इस ग्राउंड के अंदर, और कुछ सीन फिर इसके लिए गए हैं। यहाँ पे बहुत सीन लिए जाते हैं जब राज बब्बर को फांसी दी जाती है, यानी फांसी के लिए तैयार किया जाता है, तो देखो यहाँ पे कटघरा बनाया गया था, कुछ इस प्रकार से सीन था जिसमें चार लोगों को यहाँ पे फांसी के लिए तैयार किया गया था। और गोविंदा फिर आते हैं तो यहाँ पे वो खड़े रहते हैं,
और उसके बाद फिर फाइटिंग के कुछ सीन आते हैं जिसमें देखो ये वाली जो किनारी है ना, इस पट्टी का जो कलर है ना आज भी सेम है। देखो यहाँ पे व्हाइट कलर का और यहाँ पे गेरुआ कलर है। एक सीन के अंदर देखो ये वाले जो है ना वो फ्लैग लगे हुए हैं, दोनों फ्लैग दिखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे जिसमें देखो इसका भी नज़ारा है, हालांकि उनका जो कैमरा है वो थोड़ा जूम करके लिया गया था। अगर हम इतना जूम करते हैं तो फिर ये नहीं आता, ये कट जा रहा है। तो इस प्रकार से वो सीन लिया गया था ऐसे करके, जिसमें ये फ्लैग दोनों आज भी लगे हुए हैं, ये और वो वाला। ग्राउंड के अंदर जो सीन लिए गए थे वो आप लोग देख चुके हैं, और अभी हम अंदर चलते हैं। इधर से अंदर जाएंगे ना, कुछ सीन अंदर से लिए गए हैं जिसमें वो पूरा दिखता है, तो अंदर चल के दिखाते हैं। एक सीन फिल्म का यहाँ से लिया गया है जिसमें देखो ये पूरा दिखाया गया है कुछ इस प्रकार से, लेकिन एक फ्लैग नहीं देखा। और भी कुछ सीन इस ग्राउंड के अंदर फिल्माए गए हैं, देखो एक सीन वहां से लिया गया। आगे चलता हूँ इस वाले गेट से जिसमें मनीषा कोराला जो होती है ना वो एक को गोली मारती है यहाँ पे खड़े रहकर, और वो रणबीर जो रहता है यहाँ खड़ा रहता है इसमें ऊपर। देखो पहले इसको दिखा देते हैं, कितना दिखाया गया उसमें, जिसमें देखो ये डिजाइन आप लोग देख सकते हैं वो यहाँ खड़ा रहता बीच में, और मनीषा कोराला जो गोली मारती है वो यहाँ पे बंदूक छीन के और उसी में गोली मार देती है। इसमें देखो ये दोनों है ना, ये छोटी छोटी मूर्ति टाइप की बनी हुई है, इनको आप लोग देख सकते हैं, और डिजाइन भी आज भी वैसे के वैसे ही है। पीछे आप लोग देख रहे हैं ना ये पर्दे जो डाल रखे ना, इधर भी हैं देखो, उधर भी, वहां पे देखो उस साइड में भी पर्दे लगे हुए हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना ये प्राइवेट एरिया है, जिस वजह से इसको कवर किया गया है, यानी आप इधर नहीं जा सकते, इस ग्राउंड के अंदर आप लोग घूम सकते हैं। अब बाहर चलते हैं। अभी हम जिस एरिया में थे उधर थे, वो था प्रीतम निवास। देखो यहाँ पे एरो लगा हुआ है ना, और ये वाला जो हिस्सा है ये है सभा निवास, जैसे कि दिख रहा है ना कि सभा लगती होगी। अब आ जाते हैं इधर, महाराजा फिल्म की जो लोकेशन थी ना जहाँ पे सीन लिए गए थे वो उधर थे, और यहाँ पे भी कुछ लिए थे वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अब हम दिखाएंगे आपको बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर जो गाना शूट हुआ था ना वो इसी के अंदर यहाँ पे शूट हुआ है, तो वो दिखाते हैं सीन आपको। आ जाओ यहाँ पे, देखो दो कलश रखे हुए हैं, ये चांदी के कलश हैं, इनका भी एक इतिहास है जो अभी गाइड ने मुझे बताया था, हम आपको नजदीक से बता देते हैं। देखो ये है कलश, और यहाँ पे ये शिलालेख लगा हुआ है। विश्व के सबसे बड़े माने गए चांदी के गंगाजली कलशों का निर्माण गंगा का पवित्र जल रखने के लिए किया गया था। इसका निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के आदेशानुसार मिस्त्री खाना यानी यहीं पे इसका निर्माण हुआ था, जो जयपुर के परंपरागत 36 कारखानों में से एक है। गंगाजली के निर्माण का उद्देश्य सन 1902 में महाराजा की इंग्लैंड यात्रा के दौरान किंग एडवर्ड के राज्याभिषेक समारोह से जुड़ा हुआ है। इसके निर्माण हेतु तो चांदी धातु को चुना गया, क्योंकि चांदी धातु को परंपरागत रूप से शुद्ध माना जाता है। कलश के निर्माण में 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर लकड़ी के सांचों के अनुसार ढालकर सुंदर ढंग से चादर का रूप दिया गया व औजारों के माध्यम से इसे आकार दिया गया। प्रत्येक कलश का वजन 345 किलोग्राम है तथा भराव क्षमता लगभग इसमें मतलब 2000 लीटर पानी आ जाता है। तो फिल्म के जो सीन लिए गए ना उसमें ये कलश भी दिखाए गए हैं, एक बार इन कलशों को दिखा देते हैं। हालांकि ऊपर से क्या है कि रोशनी पड़ रही है धूप की, जिस वजह से शायद साफ क्लियर दिख रहे हैं या नहीं, ये तो हमारे जो कैमरा मैन है ना भैया ये बता सकते हैं। क्लियर दिखे क्या? चलिए अब यहाँ पे जो सीन ले गए थे वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं।
गाने का एक सीन यहाँ से लिया गया जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे रवीना टंडन और गोविंदा जी डांस कर रहे होते हैं, जिसमें ये जो गंगा जली है ना, कलश जो है ये दिख रहा होगा आपको, और पीछे वाला वो पिलर दिख रहे होंगे वो वाले, और इन पिलरों के सामने यहाँ पे वो लोग डांस कर रहे होते हैं। तो एक सीन यहाँ से लिया गया और बाद बाकी सीन इसके आगे से लिए गए हैं। गाने का एक सीन यहाँ से लिया गया जिसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा जी यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं उस पिलर के पास में, जिसमें देखो वो जो है ना वहाँ पे बंदूक जो लगी हुई है वो थोड़ी थोड़ी दिख रही होंगी, और सेम ऐसे ही नज़ारा है। इस डिज़ाइन को आप लोग देख सकते हैं इसको, तो वो वाला सीन यहाँ से लिया गया है। और गाने का एक सीन देखो यहाँ से लिया गया है जिसमें अमिताभ बच्चन और जो हीरोइन रहती है ना राम्या कृष्णा, राम्या कृष्णा को आपने लास्ट बार बाहुबली मूवी में देखा होगा जिसमें उन्होंने शिवांगी का किरदार निभाया था, तो देखो वो लोग यहाँ पे डांस कर रहे होंगे इस जगह पे, जिसमें ये दोनों गमले आपको देख रहे होंगे ये आज भी ऐसे के ऐसे यहाँ पे लगे हुए हैं, और पीछे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। और गाने के कुछ सीन है ना वो वहाँ से लिए गए थे उस गेट के पास से, जिसमें कैमरा उनका जो है ना उस गेट के अंदर एंगल हुआ था, और जिसमें ये तोप आप लोगों को दिख रही होंगी, हालांकि देखो उसके पास से जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके अंदर जाना तो अलाउड नहीं है क्योंकि देखो सामने वहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट, यानी इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। थोड़ा आगे चल के दिखा देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये तोप रखी हुई ना, इसका भी नज़ारा है गाने के अंदर सीन दिखाया गया है, और इस गेट को दिखाया गया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट, यानी इसके अंदर आप लोग नहीं जा सकते, इस एरिया में सिर्फ घूमना अलाउड है यहाँ पे। इस जगह पे जो सीन लिया गया है वो अंदर से तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है अंदर, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो जिसमें गोविंदा और अमिताभ बच्चन, रवीना टंडन और राम्या कृष्णा यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं सारे लोग, जिसमें ये देखो गेट दिखता है, गेट के अंदर से कैमरा एंगल था ना, और पीछे के ऐसे करके देखो वो वाली छतरी दिखती है और ये वाले पिलर दिखते हैं। और एक सीन देखो वहाँ का लिया गया है जिसमें जो राम्या कृष्णा रहती है ना वो उस पिलर पे वहाँ पे डांस करती हैं, आगे चल के दिखाता हूँ, यहाँ पे डांस करती हैं इस पिलर के पास में, जिसमें अमिताभ बच्चन यहाँ पे खड़े रहते हैं और कुछ स्टार कास्ट यहाँ पे डांस कर रही होती है। कुछ सीन इसके अंदर से लिए गए हैं तो वो मैं अंदर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो गली टाइप की बनी हुई ना इसके भी सीन है फिल्म के अंदर, यहाँ से एक सीन लिया गया है जिसमें गोविंदा और रवीना टंडन यहाँ पे डांस करते हैं, जिसमें देखो ये वाला गेट दिख रहा होगा, ये लाइट आप लोगों को दिख रही होगी, और ये डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं, इसमें अंदर से भी कुछ सीन लिए गए हैं। ये वाला जो सीन है ना इसके अंदर से लिया गया, जैसे कि आप लोग ये पिलर देख रहे हैं कि इसके अंदर जाना है क्योंकि इधर प्राइवेट है तो आप इधर नहीं जा सकते, जिसमें देखो आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं, वो दोनों गेट आप लोगों को दिख रहे होंगे ये वाले। और एक सीन और लिया गया है इसी गैलरी के अंदर जिसमें गोविंदा जी डांस कर रहे होते हैं, पीछे एक मिरर लगा हुआ है, तो अभी तो इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप लोग देख सकते हैं ये पिलर मैच कर सकते हैं ऐसे करके, ये गैलरी बनी हुई है, इस पर देखो पर्दे लगे हुए हैं, एक यही पर्दा खुला हुआ है, देखो ये है ना वो गैलरी, और यहाँ पे लगा हुआ है ये देखो प्राइवेट। गाने के एक सीन के अंदर अमिताभ बच्चन और राम्या कृष्णा यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं, जिसमें देखो ये वाली जो बंदूक है ना ये आप लोगों को दिख रही होंगी, और आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं मैं, आप लोग ये देख रहे हैं ना ये सूर्य के प्रकार के मतलब बने हुए हैं, यानी ये जो जयपुर का जो राजघराना है ये भगवान श्री राम के वंशज हैं जो सूर्य वंशी हैं, एक इधर लगी हुई है और एक इस साइड में, ये जो काफी खूबसूरत बना हुआ है। Thank you.
दोस्तों अभी हमें घूमते घूमते शाम हो गई है, शाम के 4:17 हो गई हैं और हम यहाँ पे आए थे 1:00, यानी हमको यहाँ घूमते घूमते 3 घंटे हो गए हैं। तो सिटी पैलेस हमने घूम लिया है, हालांकि जहाँ पे इन लोगों ने मतलब टूरिस्टों के लिए जहाँ जाना अलाउड किया वहाँ पे हम लोग गए, और आधे हिस्से में आज भी राज घराने की जो फैमिली है वो रहती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे अगर आप नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो पर लाइक बहुत कम आते हैं और कमेंट तो करते ही नहीं है, तो कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।